चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चौरी चौरा की क्रांतिकारी सरजमी पर आज हो रही इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे पूर्व कैबिनेट मंत्री, शानदार नेता बड़े भाई श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महेंद्र राजभर जी, प्रदेश सचिव उमेश चौहान जी, इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष श्री राजा राम चौहान जी, गोरख चौहान जी, हीरा चौहान जी, विंध्याचल चौहान जी, जीव चौहान जी, रामनगीना चौहान जी, किशोरी लाल चौहान जी और भी मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, सामने बैठे हमारे पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहने, इस क्षेत्र के शानदार प्रत्याशी, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय भीम, जय समाजवाद। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की नजर में हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, प्रगतिशील सोच के लोगों की जो नजरिया है हम लोगों के प्रति, जहां समाज की जगह दिल जलाए जाते हैं, बड़े अदब से वहां हम बुलाए जाते हैं, वहां है शोर की आया है इंकलाब हरा, जहां किसान भी भूखे सुलाए जाते हैं, चिराग कितने बुझे ये हिसाब कौन करे, यहाँ तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं, यहाँ तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं। साथियों, भाजपा आई थी किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए, परिणाम क्या निकला? किसानों को अपने खेत और खलिहान बचाने के लिए साल भर सड़कों पर सोना पड़ा और 700 किसानों को आत्मबलिदान देना पड़ा। यह सरकार आई थी बेरोजगारी कम कर, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, रोजगार तो नहीं दी, जो बेरोजगार रोजगार मांग रहा था उसे लाठियां दी। और अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के नौजवानों का आह्वान कर रहे हैं कि हम तुम्हें 5 साल नौकरी नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, मेरी तुम सरकार बनाओ और जो हमारे ये सब सांड और गाय रोडों पर घूम रही है इनके अपने घर बांध लेना और उपली पास लेना, कंडा पास लेना, हम उसका रोजगार तुम्हें देंगे। आप सोच लो कि जिस देश के प्रधानमंत्री की नजर इस स्तर की हो कि नौजवानों को कंडा और गोबर पाथने का रोजगार देना चाहता है, उसकी सोच आपके प्रति क्या है, उसकी समझ आपके प्रति क्या है, उसकी सोच इस उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति क्या है, यह समझ लेने की जरूरत है। साथियों, यह सरकार आई थी सस्ती शिक्षा देने के लिए और शिक्षा इतनी महंगी हुई कि आज गरीब का बेटा अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना छोड़ दे। ये सरकार आई थी गरीबी दूर करने के लिए और सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का अनुपात सबसे ज्यादा इस सरकार में बढ़ा। साथियों, यह सरकार आई थी लोगों को संरक्षण देने के लिए, गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। और आज मैं गोरखपुर के इस योगी बाबा से पूछना चाहता हूं कि अपने को तुम बुलडोजर बाबा कह रहे हो, तुम्हारा बुलडोजर किस पर चल रहा है, किन लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है,
जो बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बुलडोजर उनके घर पे चल रहा है। और जो तुम्हारे लोग हैं, जो 25,000 के इनामी हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर तुम्हारा बुलडोजर नहीं चल रहा है। ऐ बाबा, चार चरण का चुनाव हो गया है, तुम उत्तर प्रदेश के नौजवानों की गर्मी शांत करने की बात करते हो। चार चरण के चुनाव में तुम्हारी गर्मी उतर गई है और पांचवा चरण आते आते तुम आईसीयू में जाओगे और गोरखपुर का नंबर आते आते तुम वेंटिलेटर पर चले जाओगे और सातवां चरण जब आएगा तो तुम लखनऊ से अपना झोला उठाओगे और आकर के गोरखपुर के मठ में बैठोगे। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए। माताओं बहनों ने तय कर लिया है कि हमें 1800 रुपए महीने की समाजवादी पेंशन चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने तय कर लिया है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम योगी की तरह गर्मी नहीं उतारेंगे, हम भर्ती निकालेंगे और अपनी पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे और आईटी सेक्टर में 21 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, ऐ मेरे साथियों, आप चाहते हैं कि समाज अग्रसर हो, आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़े, आप चाहते हैं कि नौजवानों के हाथों में रोजगार मिले, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। जितने भी बीएड टेक और हमारे अनुदेशक हैं, सबके लिए अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार आएगी, हम सबको समायोजित करेंगे, सारे शिक्षा मित्रों को भी उनका वाजिब तनख्वाह देंगे। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों से निवेदन करूंगा साथियों कि भाजपा की सामंतवादी, फांसीवादी और पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकिए और समाजवादी की सरकार बनाइए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। और मैं अपने लोगों से भी निवेदन करूंगा कि साथियों, यही के अशोक चौहान जी हैं, इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, बगल के रहने वाले हैं, ये खड्डा विधानसभा से अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, इसलिए मैं अपने लोगों से भी निवेदन करूंगा कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी चौहान समाज के गांव हैं, हर बूथ से साइकिल को जिताना और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हो जाइए। धन्यवाद। जय जनवाद। जय समाजवाद।